हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आज हम बात करेंगे एक वेजिटेबल के बारे में जो कि सब लोग पहचानते ही है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं यह है करेले का पेड़। और करेला बहुत लोगों को पसंद है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आता है, तो आज मैं इसी पेड़ के बारे में आपसे बात करूँगी। और जिनको पसंद आता है ये, वो अपने बालकनी गार्डन में आसानी से इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसकी कैसे केयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। तो ये जो प्लांट है इसको मैंने 2 महीने पहले लगाया था, अप्रैल महीने में इसे लगाया था। और देखिए, अप्रैल महीने में लगाने के बाद 2 महीने में ये इतने अच्छे से फैल चुका है अभी। और इसको जैसे अभी तो फ्रूट आना स्टार्ट भी हो चुका है, इसमें अभी 2 करेले लग भी चुके हैं। देखिए ये एक्स है, इतने छोटे से मींस प्लांट में इतने अच्छे से ये फ्रूट आना स्टार्ट हो गया है। तो वो ही है कि अगर हम इसे अपने बालकनी गार्डन में लगाते हैं तो इसकी केयर कैसे करना है, इसे प्रॉपर कैसे पॉट में लगाना है, इसको कौन से फर्टिलाइज़र की नीड होती है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे मैंने इसको एक छोटे से पॉट में लगाया है, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है ये, फिर भी मीडियम साइज का पॉट है। तो आपको अगर लगाना है तो आपने इस तरीके के पॉट में इसमें लगाना, क्योंकि जैसे भी हम ज़मीन में लगाते हैं तो इसको उतना सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप बालकनी गार्डन में लगाना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ तो इसके पॉट की ही होती है। अगर इससे बड़ा भी अगर पॉट लेते हैं तो भी अच्छी बात है। और जैसे इसमें मैंने मिट्टी ली है, तो ये मिट्टी प्योर मिट्टी है, इसमें कोई कंपोस्ट मैंने मिक्स नहीं किया था, इसमें ही डायरेक्ट मैंने इसमें ग्रो किया था इसे। तो जैसे अभी इसमें तो अच्छी ग्रोथ दे रहा है ये, और जैसे ये थोड़ा फैलने लगता है उसके बाद आपने इसको जैसे ये देखिए, जैसे मैंने इसको रस्सी के सपोर्ट से बढ़ाया है और यहाँ पे कुछ लकड़ी भी लगा के रखा है ताकि इसको अच्छा सपोर्ट हो सके। तो इस तरीके का आपने सपोर्ट देना है। तो ये बहुत जल्दी ही फैलने वाला प्लांट है और बहुत अच्छे से अगर इसकी आप टाइम टू टाइम इसकी केयर करते हैं तो इसमें फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो जैसे इसमें अपने पानी देने की बात करते हैं, तो इसे डेली पॉट में लगाया है उसके वजह से आपने इसमें डेली पानी देना होता है। और मैं इसमें फर्टिलाइज़र जो देती हूँ वो यूरिया फर्टिलाइज़र एक टाइम ही दिया है मैंने लगाने के बाद, और जो पानी देती हूँ वो जैसे मैंने वेजिटेबल वॉश करने के बाद जो पानी बचता है उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, वही पानी इसमें दे देती हूँ। तो उसमें जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो उसी से मिलते हैं, ऐसे मैं कोई इसको स्पेशल अभी तक की तो कंपोस्ट या बोलो या कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि वेजिटेबल गार्डन अपना रेडी करें उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से आप अपने घर पे ही वेजिटेबल गार्डन बना सकते हैं और अच्छे से वेजिटेबल्स का ऑर्गेनिक वेजिटेबल पा सकते हैं। तो और ये जैसे आप ये भी बता दूंगी, ये तो ये जो सेमी का पेड़ है, सेमी जैसे इसको बाल की फल्ली बोलते हैं, ये खुद ही अपने आप ही लगा हुआ प्लांट है। तो देखिए ये पाम का ट्री था इसमें, ये पहले ये मरा मर गया अभी, और इसी में ये अपने आप ही ग्रोथ हुआ है। तो ये भी इसी के बाजू में इसके ही सपोर्ट से ये भी फैल रहा है। ये देखो इसकी भी काफ़ी बड़ी बड़ी पत्ती आई हुई है, और यहाँ पे देखिए ये भी अभी बहुत फैलेगा क्योंकि इसके जो लीफ है उसी से मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। तो इसके लिए अभी सपोर्ट रेडी करना पड़ेगा मुझे, तो देखते हैं इसका बाद में रिज़ल्ट कैसे आता है, लेकिन मुझे तो करेले का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये देखिए इसमें कितने बड़े साइज़ में करेले लगे हैं, और ये भी देखिए ये भी करेला बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से अभी इसका ग्रोथ हो रहा है। और इसे लगाने के लिए हमें नीड होती है वो है इस तरीके के सीड होते हैं इसके, जो आपको कोई भी एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएंगे, या फिर जैसे हम लोग करेले घर पे लेके आते हैं उसमें से भी हम ये कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो घर पे जो लेके आते हैं उसी करेले का करेले में से ये सीड्स निकाले थे और लगाया था। एक पॉट में आप 2 या 3 लगा सकते हैं सीड्स, और इसको सीड्स के ग्रो होने के लिए आपको 10 या 15 दिन लगते हैं, उसके बाद ही उसका सीडलिंग स्टार्ट होता है। और इसमें इस तरीके से ये क्रीपर निकलना स्टार्ट होती है, देखिए ये जो है ये, और इन्हीं को फिर हमें सपोर्ट देके फैलाना होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप भी अपने बालकनी गार्डन में लगा सकते हैं और लगाइएगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।